तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब टीजर ट्रेलर भाई लाइन से लगे जा रहे हैं, क्रैक। विद्युत जम्वाल का टीजर आ चुका है जो एज यूजुअल दमदार है। जो हमें जिमनास्ट वाला एक्शन विद्युत जम्वाल की मूवी में देखने को मिलता है, वही चीज़ें इसमें भी देखने को मिल रही है। हनुमान का ट्रेलर आया है भाई, अंडर बजट, बहुत ही छोटे बजट की मूवी है। और जिस हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स, जिस हिसाब से VFX वगैरह हैं, ट्रेलर यार सॉलिड है, डिसअपॉइंट तो नहीं करा है। बात करते हैं कैसा क्या है, सिनेरियो क्या करना है, वीडियो को लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, विद्युत जम्वाल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी से स्टार्ट करेंगे, क्रैक से, जिसमें हमें वही कमांडो वाला विद्युत जम्वाल देखने को मिल रहा है, कमांडो 2 वाला विद्युत जम्वाल देखने को मिल रहा है। इट मीन्स ये कि जो भी स्किल फाइट हैं, जो भी एक्शन उसके द्वारा करे जाते हैं, वो सब एक जिमनास्ट वाला एक्शन होता है भाई। ऐसा लगता नहीं कि असल एक्शन मूवी देख रहे हैं उस हिसाब की, ऐसा लगता है कि भाई ओलंपिक का कोई स्पोर्ट्स चल रहा है और हम भाई वहाँ पर बंदे को देख रहे हैं जो गुलाटियाँ मार रहा है जबरदस्त तरीके से। खैर मज़ा आता है स्किल ऐसी फाइट देखने में, क्योंकि नई नई चीज़ें हमें मार्शल आर्ट के अंदर ऐसी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सिर्फ विद्युत जम्वाल की मूवी में ही देखने को मिलती है। टीजर दमदार है और म्यूजिक BGM भी जबरदस्त इस्तेमाल कर रखा है। बाकी टाइगर श्रॉफ की एक बार के लिए भी याद दिला दी, क्योंकि जम्वाल की एक्टिंग पूरा टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की याद दिलाता है। लाइक सिमिलर डायलॉग बाजी होती है दोनों की मूवी में, जो डायलॉग उसके द्वारा मुंह से निकलते हैं श्रॉफ के द्वारा, वही हमें जम्वाल के मुंह से भी देखने को मिल रहा है, तो सिमिलरिटी थोड़ी थोड़ी लग रही है। बाकी जिमनास्ट वाला एक्शन है, एक्शन मूवी तो कमी लग रही है भाई, जिमनास्टिक्स में ज़्यादा लग रहा है। मूवी 23rd February को रिलीज हो जाएगी, ट्रेलर देखते हैं ट्रेलर क्या ही दमदार करता है। टीजर एवरेज है, ना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ना ज़्यादा बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हम देख कर आ चुके हैं जो जम्वाल ही अपनी मूवी में दिखाते रहते हैं। दूसरा भाई हनुमान का ट्रेलर, भाई बहुत छोटे बजट की मूवी है और क्या जबरदस्त ट्रेलर निकाला है। 3 मिनट के आसपास की लेंथ है, लग नहीं रहा था कि ऐसा दमदार होगा भाई। स्टार्टिंग का जो सीन सिक्वल स्टार्ट हुआ है, जो सिनेमाटोग्राफी स्टार्ट हुई है, एक बार के लिए SS राजामौली की याद दिला दी। वो बाहुबली 2 में जो स्टार्ट करा गया था, वही नेचुरल वाला फील, कूल एंड काम वाला नेचुरल फीलिंग, वो नदियों पहाड़ों वाली सीन्स और वो बिग मूर्ति, भाई हनुमान जी की मूर्ति के साथ ही शुरुआत करी है, ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी, वो बड़ी बड़ी मूर्ति, तो दमदार लगा वो चीज़ सब कुछ देख कर। लेकिन यार बाद में थोड़ा सा चीज़ें एक आध अटपटी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बताया था म्यूजिक बहुत दमदार लगा, म्यूजिक एंड BGM साथ में जो बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा था, गूज़बम्प्स दे रहा था, कई जगह बहुत अच्छा जोड़ने का काम किया है। मतलब ट्रेलर अगर देखा जाए तो भाई साहब म्यूजिक के दम पे ना ये जो चीज़ें दिखाई गई है हनुमान से रिलेटेड, डिवोशनल कनेक्शन, वो वाला सेट दमदार लगा है ट्रेलर को, जो उठा के रखा है ट्रेलर को, जो बिल्कुल लोगों को कनेक्ट करके रखा है। बाकी अंजनाद्री हिल्स के साथ वो स्टार्टिंग कराया गया है, लाइक इंडियन माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री में, और ये भी जो डिवोशनल चीज़ें हैं इसमें ऐसा बहुत सा कॉन्टेंट है जो अच्छी तरीके से दिखाया नहीं जाता है, लाइक इसमें बहुत अच्छी तरीके से यूज करते नजर आ रहे हैं। अंजनाद्री हिल का इस्तेमाल किया है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो वहीं से स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल हिट करके गया है और कनेक्ट भी करा है लोगों को। डिटेलिंग बड़ी अच्छी है, अंडर बजट मूवी है लेकिन भाई डिटेलिंग बड़ी शार्पनेस है, क्योंकि ट्रेलर से ही पता लग रहा है बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं फुल। मतलब जो हनुमान जी को लेकर जो डेडिकेशन था वो बिल्कुल डेडिकेट किया है, वो सुपर हीरो टाइप मूवी है, जिसको पावर जो है हनुमान जी की सोर्स ऑफ पावर से मिलेगा, जो बिल्कुल देखने में लग रहा है। स्टार्टिंग जो हुई थी नीचे वो जो चमक देखने को मिल रही थी, देन उसके बाद वो हीरो अपना जिसका डिलडॉल उतना जबरदस्त लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ हनुमान जी की ताकत जब किसी के अंदर आ जाएगी तो भाई चाहे आपका डिलडॉल 6-pack एप्स वाला ना भी हो तब भी आपके अंदर वो पावर आ ही जाएगी। और वही चीज़ इसमें भी देखने को मिली जो एक बार के लिए अटपटा लगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वहाँ देखने को मिली, लाइक जो जाइंट पत्थर को उठाने वाला सीन, एक बार के लिए वो संजीवनी बूटी वाला पहाड़ से कनेक्ट कराया गया है उसको, तो वो थोड़ा अटपटा लगा वहाँ पर। दूसरा वो जड़ों से हेलीकॉप्टर को खींच रहे हैं भाई, तो सुपर हीरो आपका डिलडॉल दमदार नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें कराएंगे तो भाई थोड़ा सा तो अटपटा लगेगा जो बाकी में देखने को लगा। बाकी जिस हिसाब से इसका बजट है 15-14 crore के आसपास, अभी जो शायद 70 crore या 65 crore दिखा रहा है, लेकिन अभी कल या परसों तक देख रहे तो भाई 12-15 crore के आसपास इस मूवी का बजट दिखा रहा था। उस हिसाब से जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो VFX हैं, CGI का इस्तेमाल कर रखा है भाई फाड़ है, क्योंकि 500-600 crore में आदि पुरुष मूवी बनाई गई थी भाई, टट्टी मूवी थी बिल्कुल, जिसके VFX बिल्कुल घटिया से भी घटिया लेवल के थे, और ये बहुत ही अंडर बजट मूवी है और बहुत ही अच्छा VFX का इस्तेमाल कर रखा है। लाइक हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्तियों का अच्छा इस्तेमाल कर रखा है, वो नेचुरल हिल्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रखा है,
ये सारी चीजें ये एक आध चीजें सही कर सकते थे। फिलहाल मूवी में क्या मिलेगा वो तो आगे जाके ही पता लगेगा। खैर आदि पुरुष जैसा ना मिले इतनी उम्मीद है, लेकिन जिस हिसाब से इसका बजट है भाई ऐसा लग रहा है कि मूवी दमदार होगी। बजट के अकॉर्डिंग मूवी दमदार होगी, लेकिन जो डिल्डॉल के हिसाब से हनुमान जी का कैरेक्टर अगर देना ही है तो भाई थोड़ा डिल्डॉल दमदार रखो, क्योंकि हमारी आंखों में भाई हनुमान का रेफरेंस जब आता है तो भाई सिक्स पैक एब्स, भारी भरकम मसल्स, हट्टा कट्टा शरीर ऐसे वाला। तो भाई जो सुपर हीरो का जो कैरेक्टर दे रखा है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा जो विलेन इस्तेमाल कर रखा है भाई, एडवांस टेक के साथ साइंस का जो इस्तेमाल कर रखा है मतलब फुल, वो जबरदस्त लगा। तो ये सारी चीज़ें डिवोशनल कलेक्शन, माइथोलॉजी, फिर थोड़ा सा हिस्ट्री का तड़का, देन उसमें अपना साइंस का जो एडवांसमेंट है, मॉडर्न एआई का यूज, वो सारा कुछ मसालेदार तड़का देखने को मिलेगा, जो एक बार के लिए एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है कि भाई देखा जाएगा आखिर होता क्या है।